ओके गाइस, मस्त मस्त पास्ता बना के खाइए, देसी स्टाइल का मजा लीजिए। टेस्टी टेस्टी सुपर। नमस्कार। ओके गाइस, मस्त मस्त पास्ता बना के खाइए, देसी स्टाइल का मजा लीजिए। टेस्टी टेस्टी सुपर। नमस्कार दोस्तों, मैं सालिग्राम प्राजुल आप लोग को स्वागत करता हूँ यूनिक किचन एंड फैन चैनल में। दोस्तों आज हम देसी स्टाइल का पास्ता बनाएंगे। सो उसके लिए बनाने के लिए हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं क्या क्या सामग्री लगता है। सो मैंने पास्ता लिया है, मैंने ये वाला पास्ता लिया है 200 ग्राम लिया है, और मैंने कश्मीरी चिल्ली पाउडर लिया है, और मैंने जीरा पाउडर लिया है, और ये किचन किंग पाउडर है, और चॉप ऑनियन लिया है, मैंने दो ऑनियन चॉप काटा है, और गाजर लिया है, थोड़ा स्टाइल से काटा है गाजर भी मैंने, और टमाटर दो टमाटर लिया है, लाल टमाटर, और मैंने थोड़ा टमाटो सॉस लिया है, फ्लेवर अच्छा आएगा इसके लिए, और मैंने वेजिटेबल में थोड़ा मैंने ग्रीन और रेड कैप्सिकम लिया है, उसको बारीक करके काटा है, बारीक नहीं थोड़ा मोटा है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, वही सबसे काटा है, और मैंने ग्रीन चिल्ली और फ्रेश गार्लिक और फ्रेश अदरक जिंजर लिया है, मैंने उसको अच्छे से बारीक करके काटा है, एक ही बॉल में डाला है मैंने, अदरक लहसुन और मिर्ची, और इसके अलावा नमक लगेगा और तेल लगेगा, इतना होगा तो हम देसी स्टाइल का पास्ता बनाएंगे। सो दोस्तों अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहले पास्ता बॉयल करने के लिए। ओके दोस्तों, अभी हम पास्ता बॉयल करने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम पानी में थोड़ा नमक डालेंगे, इसको अच्छे से हिलाएंगे, और हमने पास्ता लिया है 200 ग्राम पास्ता लिया है, तो पास्ता अच्छे से खेल के बॉयल होना चाहिए, तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल के अच्छे से बॉयल करना है। तो अभी हमारा पानी गर्म हो रहा है, और मैं इसमें थोड़ा तेल डालूंगा, अगर तेल डालूंगा तो बाद में चिपकेगा नहीं पास्ता, इसके लिए मैं थोड़ा इसमें तेल ऐड करूंगा। ओके दोस्तों, मैंने दो चम्मच तेल डाल दिया, अब इसको अच्छे से हिलाऊंगा, उसके बाद अभी पानी बॉयल होने को जा रहा है, तो इसमें मैं पास्ता डालूंगा। ओके दोस्तों, पास्ता पानी बॉयल गर्म हो गया, अभी मैं पास्ता डालने जा रहा हूँ। मैंने ऐसा वाला पास्ता लिया है, तो आप लोग दूसरा स्टाइल का पास्ता भी ले सकते हो, आपको जो पसंद है, आपको जो च्वाइस है, वो सबसे आप बना सकते हो, तो मुझे ये पसंद है इसके लिए मैं ये लिया है। सो अभी मैं ये पानी में डालने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये बॉयल होने के लिए 5-7 मिनट में बॉयल हो जाएगा, तो बॉयल होने के बाद फिर इसको हम पानी निकालेंगे, ड्रेन करेंगे, तो ड्रेन करके फिर इसको स्टीनर में डालेंगे, फिर हम दूसरे फ्राई पैन में मसाला बनाएंगे। मस्त बॉयल हो रहा है, अभी 2-3 मिनट में पक जाएगा, ज़्यादा पकाना भी नहीं है इसको, फिर मैश हो जाएगा, और कच्चा भी नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से बॉयल करना है। ओके दोस्तों, हमारा पास्ता अभी हम चेक करेंगे बॉयल हुआ कि नहीं अच्छे से। ओके दोस्तों, हमारा पास्ता हो गया, बॉयल हो गया, अभी हम इसको पानी निकाल ड्रेन करेंगे, पास्ता निकालेंगे। ओके दोस्तों, पास्ता हमने पानी से निकाल दिया, ड्रेन कर दिया, अभी हम इसको स्टैंड में डाल के रख रहे हैं। सो अभी हम दूसरे फ्राई पैन में भी हम मसाला बनाएंगे, सो उसके बाद मसाला बनने के बाद फिर उसको मसाला में हम इसको डालेंगे। सो ओके गाइस, अभी हम शुरू करेंगे मसाला बनाने के लिए। ओके दोस्तों, अभी हम इस फ्राई पैन में मसाला बनाएंगे पास्ता के लिए।
तो अभी मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले इसमें तेल डालूंगा, ओके दोस्तों मैंने इसमें तेल डाल दिया है। ओके दोस्तों ये तेल गर्म हो गया, अभी मैं इसमें लहसुन मिर्ची और अदरक जो काट के चॉप काट के रखा था वो डालने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों ये लहसुन और हमारा मिर्ची और अदरक थोड़ा ब्राउन कलर हो गया, सो अभी हम इसमें प्याज डालेंगे, जो काट के रखा हुआ प्याज था वो डालेंगे। ओके दोस्तों प्याज भी हल्का टॉस हो गया, हल्का कलर आ गया प्याज का भी, अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। दोस्तों अभी हम इसमें गाजर डालेंगे और जो काटा हुआ शिमला मिर्ची का वो इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे। ओके दोस्तों हमारा ये वेजिटेबल अभी ऑलमोस्ट पक गया है, अभी हम इसमें थोड़ा सीजनिंग डालेंगे। तो सबसे पहले कश्मीरी चिली पाउडर डाल रहा हूँ, एक टी स्पून का, और जीरा पाउडर एक टी स्पून डाल रहा हूँ अभी, और किचन की अभी एक स्पून डाल रहा हूँ टी स्पून। ओके अभी मैं इसमें टमाटो, अभी इसमें हम टमाटो कितने डालेंगे हरे भर के, तो वो भी मैंने दो टेबल टी स्पून डाला है, दो टी स्पून। अभी इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसमें मसाला हो गया, अभी हम इसमें पास्ता डालेंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। दोस्तों हमारा देसी स्टाइल का पास्ता रेडी हो गया, अभी हम इसको एक प्लेट में डालेंगे। ओके दोस्तों अभी मैं प्लेट में डालने जा रहा हूँ। ओके दोस्तों हमारा पास्ता रेडी हो गया, देसी स्टाइल का पास्ता, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने भी मस्त ज़बरदस्त टेस्ट है, हल्का थोड़ा सा स्पाइसी है लेकिन मस्त है। सो ओके दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों लोगों को भी थोड़ा शेयर करें। और आने वाला दिन में और अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, हैव अ गुड डे। ओके गाइस मस्त मस्त पास्ता बना के खाइए,
देसी स्टाइल का मजा लीजिए। टेस्टी टेस्टी सुपर।